I hope you all are well. Welcome to Sign for Digital Classes. Today I will tell you Hindi story. The name of the story is Jhoota Tota. Okay student, the name of the story is Jhoota Tota. आप लोगों ने stories को बहुत सारी सुनी होगी. आज मैं आपको नई story सुनाऊंगी झूठे तोते की. एक जंगल था जिसमें एक तोता रहता था. उसका नाम था बकबक. तोते का क्या नाम था? बकबक. और तोता बहुत ज्यादा बकबक करता था. जो लोग ज्यादा बोलते हैं तो क्या कहते हैं कि वो बकबक ज्यादा करते हैं. तो ऐसे ही तोता भी बहुत ज्यादा बकबक करता था और टाइम झूठ बोलता था. वो तो वो जिस जंगल में रहता था उस जंगल में एक वो बड़े पेड़ के ऊपर रहता था. उस पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी उसके साथ. वो चिड़िया को और टाइम अपनी झूठी झूठी सी कहानियां सुनाता रहता था. एक दिन उसने उस चिड़िया के पास बैठा था और उस चिड़िया को बोला कि मैं आज बहुत बड़ी दावत में होके आया हूँ, पार्टी में होके आया हूँ और आज मैंने बहुत अच्छी अच्छी दावत में डिशेस खाई है, आइसक्रीम खाई है, चॉकलेट्स खाई है, बहुत सारा झूठ बोलता है और मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी मिले हैं वहां से. तो चिड़िया कहती है अच्छा अच्छा, इतने में एक क्रो आता है. क्रो कौन होता है? और वहां क्रो कैसे करता है? वो आता है तो तोते को उसने बोला कि तोते भैया आप झूठ क्यों बोलते हो? आप तो किसी भी पार्टी में नहीं रहते. आप तो सुबह इसी पेड़ पे बैठकर मेरे सामने सूखी सूखी हरी मिर्च खा रहे थे. आप तो किसी पार्टी में भी नहीं रहते. तोता कहता है मेरे से बात मत करो, मुझे बहुत सारे काम है और मैं चला हूं. तोता उड़ जाता है फ्लाइंग करके एकदम से ऐसे ऐसे. फिर जब वो तोता पिकॉक को मिलता है तो पिकॉक को भी झूठ बोलता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे बड़े बड़े घर हैं, बहुत बड़ा सारा मेरे पास सामान है, बहुत कीमती कीमती मेरे पास चीजें हैं. और फिर वो एलिफेंट को मिलता है, वो कहता है मुझे भी यहाँ के राजा ने भी बहुत सारे चीजें दे रखी हैं, मैं बहुत अमीर हूँ. सबसे जिस एनिमल से वो मिलता है जंगल में सबको झूठी झूठी कहानियां सुनाता है. एक दिन उसी पेड़ पे जिस पेड़ पे वो रहता था जब वहां पे चिड़िया बैठी हुई थी, चिड़िया के पास एक बहुत सुंदर व्हाइट कलर का एक और पक्षी आया. वो पक्षी कौन था? वो था पिजन. वो पिजन वहां आया और चिड़िया ने उसे पूछा तुम तो बहुत ही सुंदर पक्षी हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो. तो चिड़िया ने पूछा उसने तो वो कौन था? वो पक्षी था पिजन. पिजन कौन होता है? कबूतर. जो कबूतर होता है वो बहुत सुंदर पक्षी था, व्हाइट कलर का था बिल्कुल. तो उसने बोला कि मैं यहाँ पे किसी से मिलने आया हूँ. तो वहां पे क्रो भी आ जाता है. क्रो कहता है तुम तो बिल्कुल बहुत सुंदर, एकदम राजसी लग रहे हो, किसी राजमहल से आए हो क्या? इतने में वहां पे आ जाता है वो झूठा तोता बकबक. इसका नाम क्या था? बकबक. वो आ जाता है तो पिजन जो होता है उनको बोलता है झूठे तोते को क्या तुम्हारा नाम बकबक है? उसने बोला हाँ हाँ, देखो मुझे तो बाहर के लोग भी जानते हैं, पता है मेरे पास कितना सारा पैसा है, कितनी सारी चीजें हैं, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हैं, सब कीमती सामान है मेरे पास. जो पिजन आया होता है बाहर से राजा के महल से, वो कहते हैं बकबक भाई मेरी बात तो सुनो, बकबक भाई मेरी बात तो सुनो. लेकिन बकबक तोता उनकी कोई बात नहीं सुनता, सिर्फ वो अपनी बकबक बोले जाता है. तो फिर वो बोलता है ठीक है फिर मैं चला. उसने बोला कि तुम यहाँ आए क्यों थे? वो कहते हैं कि मुझे राजा ने भेजा था संदेशा लेकर कि मैं तोते के पास जाऊं, बकबक तोते के पास जाऊं और उसको राजा की तरफ से संदेश दूं कि राजा ने उसको अपने महल में बुलाया है, इनवाइट करा है रहने के लिए कि तुम हमारे महल में राजा के महल में आके रहो, राजा की तरह रहो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन अब तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है. तो राजा को मैं जाके बता दूंगा राजा ने जो संदेश दिया है वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है. अब जो बकबक तोता होता है वो परेशान हो जाता है, कहता है नहीं 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 मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सब कुछ झूठ बोल रहा था. लेकिन कबूतर उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो चला जाता है. तो ऐसे क्या हुआ? इससे हमें क्या
कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. ओके स्टूडेंट, वेरी गुड. दैट्स फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. स्टे होम, स्टे सेफ.